नमस्कार मित्रों, जीआईएस परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। आप पढ़ रहे थे प्रत्यय और इससे पहले आपने पढ़ा था तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय के जो सात नियम हमने आपके लिए पढ़ाए, वे सभी नियम अधिकांशतः इस प्रत्यय के जो समूह में जो प्रत्यय आते हैं उन सभी प्रत्ययों में इन नियमों का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर दो, ये है अनियर प्रत्यय। अनियर इस प्रत्यय का शेष रहता है अनिय, अर्थ है चाहिए। वाक्य प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में, कौन से वाच्य में? कर्मवाच्य में। ये दो प्रत्यय ऐसे हैं, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य के जितने भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों में इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अनियर सत्री और सानच, ये तीन प्रत्यय हैं। इन तीनों प्रत्ययों का एक नियम, एक ही नियम से आज हम तीन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। नियम धातु के अंतिम एक वर्ण को यण वर्ण में बदल देते हैं। धातु का जो अंतिम एक वर्ण है, धातु के अंतिम एक वर्ण को यण वर्ण में बदल देते हैं। कितने प्रत्यय? तीन प्रत्यय, सत्री, सानच और अन्य। इन तीनों ही प्रत्ययों में अंतिम जो एक वर्ण है उसको यण वर्ण में बदल देते। सत्री प्रत्यय का शेष सारणी में लिखा हुआ है अत, सानच प्रत्यय का शेष सारणी में लिखा हुआ है आन, अनियर सानच और तव्य। इन तीनों प्रत्ययों के नियम सत्री सानच और अनियर, इन तीनों प्रत्ययों के नियम समान है। तव्यत अनियर और सानच इन तीनों प्रत्ययों के रूप समान। अब देखिए, सत्री प्रत्यय इसका शेष रहता है अत,
ठीक। अंतौ और अंत, ये है पुल्लिंग। अंति अंति अंत्यौ और अंत्य, ये है स्त्रीलिंग। आते अति और अंत, ये है नपुंसक लिंग। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय आता है सानच, इसका शेष रहता है आन। ठीक, अब देखिए वाक्य प्रयोग, आन है आनौ आनः, आना आने आना आना आने आना आना आने और आना, ये है सानच प्रत्यय। कहीं कहीं आन के स्थान पर बान भी लगा देते हैं। अब देखिए इसका एक नियम है सानच का, मात्रा वाले में इनको लगाते हैं, जिनमें हलंत लगा हो उनमें मान मानव और मान इनके रूप लगा, जिनमें ये नियम लगता है उनमें लगाते आन, जिनमें नियम नहीं लगता है उनमें लगाते हैं ये। माने मानव मानहा, माना माने मानहा, मानव माने मान, ये है सानच प्रत्यय और ये है सत्री प्रत्यय। ठीक है मित्रों, इन ये तीन नियम, तीनों ही नियमों सॉरी तीन प्रत्यय हैं, तीनों ही प्रत्ययों का एक नियम है कि अंतिम एक वर्ण को यण वर्ण में बदल दिया, अंतिम जो एक वर्ण है उसे यण वर्ण में बदल देते। ये अत लगाना है, इसका आन लगाना है। अब ये जब हम धातु में सानच को जोड़ते हैं, शेष यानी सभी प्रत्यय, सभी जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का यानी शेष प्रत्यय, इनको हम नपुंसक लिंग में जोड़ते हैं, परंतु सानच जो प्रत्यय है ये पुल्लिंग में जोड़ा जाए। प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि सानच का पुल्लिंग जुड़ता है, शेष प्रत्ययों का नपुंसक लिंग जुड़ता है।
ये जो लिंग है एक वचन द्विवचन वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक, ये जो लिखे हुए हैं आपके सामने इसका मतलब है कि इनका प्रयोग हम वाक्य प्रयोग में करते हैं। यदि वाक्य प्रयोग आपसे करवाया जाता है तो वहां लिंग एक वचन द्विवचन और बहुवचन इनका आपको ध्यान रखना है, किस प्रत्यय के रूप किसके समान चलाए जाते उसी के आधार पर आपको इनका प्रयोग करना। ठीक है मित्रों, सानच में जोड़ते समय या वाक्य बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जिन धातुओं के अंत में हलंत लगा हो उनमें मान के रूप लगाए जाते हैं, शेष में अर्थात जिनमें ये नियम लगता है एक वर्ण को यण वर्ण में बदल देते हैं उनमें आन के रूप लगाए जाते। ठीक है मित्रों, ये तीन प्रत्यय हैं, ये जो प्रत्यय है सत्री और सानच, इन प्रत्ययों का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करते हैं। कौन से वाच्य में करते हैं? कर्तृवाच्य में। इन प्रत्ययों का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करते हैं। तव्यत और अन्यत प्रत्यय का प्रयोग हम कर्मवाच्य में करते हैं। ये दो ही प्रत्यय ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम कर्मवाच्य में करते हैं, शेष प्रत्ययों का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करते हैं। अब देखिए, पहले इनके हम तव्यत की तरह धातु में जोड़ेंगे और धातु में हटाएंगे, यानी प्रकृति में प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और प्रकृति और प्रत्यय को अलग करेंगे, तीनों ही प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग में लाएंगे। प्रत्यय तीन नियम एक, प्रत्यय तीन रूप एक, प्रत्यय तीन नियम एक सत्री सानच और अनियम, प्रत्यय तीन रूप एक तव्यत अनियर और सानच, तव्यत अनियर और सानच, इनके रूप समान चलते हैं। पुल्लिंग में राम पीता है, स्त्रीलिंग में रमा पीता है और नपुंसक लिंग में हल्की तरह चलाए जाते। अब देखिए, जैसे धातु है पट प्लस अनिया प्लस सत्री प्लस सान बराबर प्रत्यय युक्त पद। ठीक, अब देखिए इसका क्या बनेगा, पट प्लस अनियर प्लस सत्री प्लस सानच बराबर प्रत्यय युक्त पद, यानी तीनों प्रत्ययों को जोड़िए। अब देखिए इसका बनेगा, मैं यहां लिखता हूं अनियर का अनियम, क्यों? क्योंकि नपुंसक लिंग में जोड़ा जा, सत्री का जोड़ेंगे अत, इसका बन गया पठ। ये जो सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय आत्मने पद की जो धातु होती है उनमें जोड़ा जाता है। सानच जो प्रत्यय है ये आत्मने पद की धातुओं में जोड़ा जा, धातु आपको मिलेगी, ये पहचान आपको नहीं करनी है कि धातु आत्मने पद की है या परस्मै पद की है,
वो धातु आपके लिए दी जाए। ठीक है मित्रों, आप देखो धातु है जैसे सेब, तो इसमें सानच जब जुड़ेगा तो इसमें जुड़ेगा सेब मान। क्यों? क्योंकि इस पर हलंत लगा हुआ। ठीक, धातु है जैसे क्री, तीनों प्रत्यय जुड़ेंगे इसका बनेगा कार्नियम, सत्री जब जोड़ेंगे तो इसका बनेगा कौरवन, और सानच जब हम जोड़ेंगे तो इसका बनेगा कुर्वा। ठीक है मित्रों, अब देखिए धातु है जैसे कम, सत अनियर गाम नियम जाना चाहिए, सत्री गच्छन जा रहा है या जाता हुआ है, गम मान है, ये है। अब देखिए इसी प्रकार से अब नियम की धातु में देता हूं जी और ब्रो, ई है, ये नियम की धातु है, जे क्या बन गया जैन, ये आत्मने पद की धातु है ब्रुवाण, इसमें जुड़ा है सानच जैनियम, इसका बन गया जैन। ठीक, और सानच जब इसमें जुड़ेगा तो इसमें हो गया जयान है, क्योंकि आन जुड़ेगा। अब देखिए ये जो धातु है लव, ये आत्मने पद की धातु, तो इसमें केवल सानच प्रत्यय जुड़ेगा, ये बन गया लभा। क्या बन गया? लभा। अब देखिए पच अनियर पचनिया सत्री पचा, धातु है द्रस दर्शनियम, सत्री जब जुड़ेगा तो पश्यत बनेगा, सानच जब जुड़ेगा तो पश्यमान है जुड़ेगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपको प्रत्यय जोड़ना है, धातु वो अपने आप देगा। यदि सानच जुड़वाता है तो आपके लिए आत्मने पद की ही धातु मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखिए ये धातु है त्यज, ठीक, धातु है ब्रह्म, धातु है स्मृह, धातु है अस, अस माने होता है होना, अस जो धातु है उसका अर्थ है होना। अब देखिए सबसे पहले अनिया, तो इसका बनेगा
त्याजनीय। सत्री अत जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा है त्यज ते। ब्राह्मणीय स्मरणीय अस। अब देखिए ये जो धातु है अस, इसमें केवल दो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, सत्री और शान। ठीक है मित्रों, अब देखिए सत्री के रूप किस प्रकार बनेंगे। सत सती और सत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक। ठीक है मित्रों, अब आता है सानच। सानच के सीधे रूप बनेंगे आसीन है, आसीना और आसीन। ये पुल्लिंग है, आसीन है, आसीनौ आसीनः आसीना आसीने आसीनः आसीनम आसीने आसीना। ये जो अस धातु है इसके रूप सत्री और सानच में ही लगाए जाते। ठीक है मित्रों, यहां आपको जो भ्रम पैदा होता है इन उदाहरणों को देखते हुए, आप जब इस क्लास को देखेंगे तो इसको देखते हुए ये होगा कि कहीं सत्री जुड़ा है, कहीं अनियर जुड़ा है, कहीं सानच जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो धातु आत्मने पद की है उनमें केवल सानच जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, उसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आपके लिए आत्मने पद की धातु अवश्य मिले। यदि सानच उसने जुड़वाया है, सानच का प्रयोग यदि वो करवाता है तो आपके लिए उस स्थान पर आपके लिए आत्मने पद की धातु ही दी हुई हो, वहां आपके लिए आत्मने पद की ही धातु दी हुई हो। अब देख लीजिए, वहां आपके लिए नियम मिला था भय को बे में बदला, चय या जय को के में बदला, दृश्य इसको मूर्धन्य सकार में बदला। कौन से प्रत्यय? वो प्रत्यय था तव्य। लेकिन इस प्रत्यय में एक ही नियम काम करता है और वो नियम है कि धातु के अंतिम एक वर्ण, धातु के अंतिम एक वर्ण को यण वर्ण में बदल देते। धातु का जो अंतिम एक वर्ण है उसे यण वर्ण में बदल देते। प्रत्यय कितने हैं? तीन, सत्री सानच और अनिय। इन तीनों प्रत्ययों का एक ही नियम है, देख लीजिए नियम के अनुसार ही इसमें जुड़ा हुआ। सानच जो प्रत्यय है उसमें मैंने पहले भी कहा है कि उसमें जिनमें एक वर्ण लगे हो, जिनमें एक वर्ण लगे हो उनमें आप आन जोड़ी, जिनमें एक वर्ण लगा हो उनमें आन जोड़िए और शेष में मान जोड़िए। शेष में क्या जोड़ना है? मान। जैसे मैं आपके लिए और भी उदाहरण देता हूं, जैसे धातु है संग, अब देखिए इसमें क्या जुड़ेगा? आन। क्यों? क्योंकि इस पे हलंत लगा हुआ। जैसे धातु है बर्द, क्या जुड़ेगा? मान जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? मान। क्यों? हलंत लगा हुआ है। धातु है वर्त, क्या जुड़ेगा?
मान जुड़ेगा, क्योंकि ये धातु जो है, ये जो धातु है लाभ पाचे वार्त वार्त संक, ये जो धातु है ब्रोम, ये सभी धातुएं आत्मने पद की धातु है। तो आत्मने पद की जितनी भी धातु है उनके रूप आत्मने पद में ही चलाए जाते हैं, और आत्मने पद की जो रूप बनाए जाते हैं वो मात्र एक ही लकार है, उस लकार का नाम है लट लकार, जिसके प्रत्यय है अते एते अन्ते असे एथे अदवे और ए आवये आम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आप किसी भी धातु में इन तीनों प्रत्ययों में से किसी भी प्रत्यय को आप बड़े ही सरल तरीके से जोड़ सकते हो। ये हुआ पहला प्रश्न जोड़ने वाला। दूसरा प्रश्न अलग करने वाला, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना। कैसे करेंगे? हर प्रत्यय में यही प्रश्न है और उसी का प्रश्न का जवाब है। कैसे करेंगे कि प्रत्यय का शेष आपको अंत में मिलेगा, यानी धातु में लगा हुआ प्रत्यय का शेष मिलता है, उस शेष के आधार पर आप उस प्रत्यय का नाम लिख दें। नियम के अनुसार उस धातु में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, यदि परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन को हटाकर शेष शब्द को प्रकृति के नाम लिख दें, यदि परिवर्तन नहीं हुआ है तो बचा हुआ जो शब्द है वो प्रकृति है, वो धातु है, वो जन्म की अवस्था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ये तीनों ही प्रत्यय मैंने एक ही नियम में आपके लिए पूरे कर दिए, और कहीं कोई भी नियम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसी के साथ ये तीनों प्रत्यय आज यहीं पर समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।